Hello guys, this is me Ziaul Hassan and you're watching Hassan Art Studio. Welcome you all in another video of Mission 30. And in this video, we will discuss about Kishangarh Service School of Rajasthani School. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर आपने राजस्थानी स्कूल के और वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं. और जो नोट्स हम इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं या सारी वीडियोस में यूज़ कर रहे हैं उसे बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे किशनगढ़ सब स्कूल के बारे में. किशनगढ़ सब स्कूल ऑफ पेंटिंग, किशनगढ़ सब स्कूल ऑफ पेंटिंग. तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं. किशन सिंह सन ऑफ जोधपुर किंग उदय सिंह फाउंडेड किशनगढ़ इन 1609. तो ये 1609 में किशन सिंह ने, सन ऑफ जोधपुर किंग उदय सिंह ने फाउंडेड किया है. और जो जोधपुर है ना, ये जोधपुर से ही अलग होके किशनगढ़ स्कूल बना था. ठीक है, जब उनके राज्य अलग हो गए तो ये एक नया स्कूल डेवलप हुआ. एंड किशनगढ़ पेंटिंग गोज ऑन पीक अंडर द रीन ऑफ राजा सावन सिंह. और राजा सावन सिंह के टाइम के ही पेंटर की और पेंटिंग की हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है उस टाइम पे. सो इसमें सावन सिंह वॉज अ स्कॉलर, अ क्रिटिक एंड अ रिनोन्ड पोएट इन हिंदी, संस्कृत, पर्शियन अंडर द पैन नेम ऑफ नागरीदास. तो यहाँ पर जो सावन सिंह राजा हैं वो इतनी खूबियाँ उनके अंदर हैं, वो स्कॉलर हैं, क्रिटिक हैं और पोएट हैं, जिसमें मल्टी टैलेंटेड, हिंदी, संस्कृत एंड पर्शियन, इन तीन भाषाओं में उन्होंने पोएम्स लिखी हैं. और पेन नेम जो है उनका वो है नागरीदास. तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि नागरीदास कौन से राजा को कहा जाता था, या फिर कौन से राजा अपना पेन नेम नागरीदास लिखते थे किशनगढ़ स्कूल के या राजस्थान स्कूल के. और पेन नेम क्या होता है, पेन नेम होता है जैसे कि अभी आप देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे अननोन शायर और दिल टूटा आशिक, ऐसे कुछ उसमें जैसे पोएम लिखने के बाद अपने नाम लिखते हैं वो, तो ऐसा नेम ये जो है नागरी दास लिखा करते थे. एंड ही रोट ओवर 50 बुक. तो इन्होंने 50 से भी ज़्यादा बुक्स लिख रखी हैं. और सावन सिंह मोस्ट आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट निहाल चंद. तो सावन सिंह के राज्य में जो सबसे ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट थे वो थे निहाल चंद, और सबसे अच्छी ये पेंटिंग किया करते थे. नेक्स्ट, निहाल चंद वर्क फॉर सावन सिंह 1735 टू 1757. तो इतने साल तक इन्होंने यहाँ पर काम किया है. नेक्स्ट आता है, निहाल चंद कंपोज पेंटिंग ऑन सावन सिंह्स पोएट्री थीम ऑफ डिवाइन लवर राधा एंड कृष्णा. तो यहाँ पर जो निहाल चंद जो है पेंटिंग करते थे वो सावन सिंह की पोएट्री पे बेस्ड होती थी, और जिसमें लवर, डिवाइन लवर राधा एंड कृष्णा को पेंट किया जाता था ज़्यादातर. नेक्स्ट, मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ दिस स्कूल इज राधा बनी ठनी. तो राधा बनी ठनी जो है राजस्थान स्कूल की भी बेस्ट पेंटिंग में आती है, और किशनगढ़ की तो बेस्ट पेंटिंग है ही राधा बनी ठनी. और इस पेंटिंग को इंडिया की मोनालिसा भी कहा जाता है. तो आप ये ऐड कर सकते हैं कि इंडिया की मोनालिसा भी इसे कहा जाता है. अदर आर्टिस्ट भवानीदास एंड सूरत राम. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सूरत राम या भवानी दास कौन से सब स्कूल से रिलेटेड हैं, कौन से सब स्कूल से रिलेट करते हैं ये. तो अदर सब्जेक्ट ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग इसमें आता है रोमांटिक लाइफ ऑफ राधा एंड कृष्णा एंड गीत गोविंद एंड भगवत पुराण बिहारी चंद्रिका बाय नागरीदास आर द मेन थीम. तो बिहारी चंद्रिका जो है ये नागरीदास ने लिखी है थी. अब फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स ज़्यादा इसमें नहीं दे रखे हैं वैसे. तो फीचर्स ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर क्या रहता था उन पेंटिंग्स का, उसमें सब्जेक्ट क्या होता था या थीम क्या होता है उसकी बात करते हैं. तो यहाँ पर हंटिंग सीन एंड ये काउंट नहीं है, कोर्ट सीन, पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स एंड नवाब एंड एम्परर और सेंट्स एटसेट्रा, इनके यहाँ पर पोर्ट्रेट बनाए गए हैं. और इसमें हम ऐड कर सकते हैं राधा एंड कृष्णा जी के भी पोर्ट्रेट्स यहाँ पर बने हैं. एंड इन फेसेस आर्चर आईब्रो, उनकी जो आईब्रो होती थी वो आर्चर होती थी, जैसे आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं अपने नीचे जो पेंटिंग दे रखी है. एंड लोटस पेटल शेप्ड आईज, तो जो आईज हैं उनकी लोटस के पेटल जाती होती हैं, जैसे कि ये लोटस की ऐसे जो ये पेटल्स आती हैं ना, तो इस टाइप की इनकी जो है आईज होती थी. एंड ड्रॉपिंग आईलिड्स, तो जो आईलिड्स हैं वो ड्रॉपिंग रहती थी. एंड शार्प सिलेंडर नोज एंड थिन लिप्स, ये चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी. और इसमें प्राइमरी कलर हैव बीन अप्लाइड, सबसे ज़्यादा प्राइमरी कलर यूज़ किए गए हैं. और प्राइमरी कलर कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए ये भी. प्राइमरी कलर जिसमें आता है रेड, ठीक है,
ब्लू और येलो, ये होते हैं सबसे प्राइमरी कलर। तो ये ज़्यादातर ये एंड इनका मिक्सचर जो है इन कलर्स का यूज़ होता था, और इन्हें मिक्स करके जो है सेकेंडरी कलर बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल पेंट। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पेंटिंग जो है फीमेल की, मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है हमें किशनगढ़ सब स्कूल में देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है पेंटिंग जो हमारे सब स्कूल में दी गई है, उस पेंटिंग की बात करते हैं। तो इसमें है राधा बनी ठनी, और राधा बनी ठनी को क्या कहा जाता है, इंडियन मोनालिसा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिस्ट इसके जो है निहाल चंद, जिसके हम बात कर रहे थे कि मोस्ट फेमस आर्टिस्ट जो हैं सावन सिंह के राज्य के, तो वो है निहाल चंद। एंड सब स्कूल किशनगढ़ सब स्कूल से ये ली गई है, मीडियम वाटर कलर टेक्निक टेम्परा कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं कि इसमें इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो वो है ब्यूटी ऑफ विमेन डिपिक्टिंग राजा सावन सिंह लव टूवर्ड्स राधा एंड कृष्णा। तो ये जो पेंटिंग है इसमें ब्यूटीफुल विमेन डिपिक्ट की गई है, और जो राजा सावन सिंह का जो लव था टूवर्ड्स राधा एंड कृष्णा वो इसमें दिखाया गया। अब देखते हैं बनी ठनी लेडी ऑफ फैशन। तो ये जो है शी वॉज अटेंडेंट ऑफ राज सिंह वाइफ एंड अ गिफ्टेड पोएटस सिंगर एंड डांसर, तो ये भी मल्टी टैलेंटेड थी। एंड हर लॉन्ग कर्ली हेयर इज शॉन फ्लोइंग डाउन हर शोल्डर एंड द कर्ल ऑफ हर हेयर ऑन हर चीक एडेड ब्यूटी टू द पेंटिंग। तो ये जो कर्ली हेयर का जो ऐसे ये लट वाला स्टाइल है आजकल जो लड़कियां करके घूमती हैं, तो ये अभी का नहीं है, ये भाई बहुत पुराना है। तो ये इनके फेसेस में चार्म ऐड करता है, इसलिए आजकल भी आप ये देखने को मिलता है। तो ये सारे जो है ना पुराने फैशन जो है रिपीट होते रहते हैं, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही देखने को मिलता है। एंड शी इज़ वियरिंग अ ट्रांसपेरेंट ओढ़नी विद गोल्डन मोटिफ ऑन इट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इन्होंने गोल्डन जो है चुनरी ओढ़ रखी है, और उसमें छोटे छोटे गोल्डन कलर के जो ट्रांसपेरेंट चुनरी है उसमें गोल्डन कलर के फ्लावर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड सावन सिंह राइट अबाउट हर इन पोएम बिहारी जस चंद्रिका। तो इसके बारे में बिहारी जस चंद्रिका जो उनकी पोएम है उसमें लिखा है सावन सिंह ने इसके बारे में, जो यहाँ पर आपको बनी ठनी दिख रही है। एंड राधा बनी ठनी फेस डीपली कर्व आइज एंड आर्च आईब्रो पॉइंटेड नोज एंड स्पेरल लाइन हेयर डाउन ऑन द चीक थिन लिप्स पॉइंटेड चिन। तो ये चीज़ें इसमें इसके फेस में चार्म ऐड कर रही हैं, तब ये इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है और फेमस पेंटिंग है। एंड हर स्माइल इज मिस्टीरियस एज मोनालिसा स्माइल, सो शी इज़ नोन एज द इंडियन मोनालिसा ऑल्सो। तो ये इसीलिए इंडियन मोनालिसा के बराबर रखी जाती है, या इंडियन मोनालिसा कही जाती है ये। और जो जो मेन मोनालिसा जो पेंटिंग है वो बनाई है लियोनार्डो दा विंसी ने, वो भी 16th सेंचुरी की पेंटिंग है आई थिंक, एंड दैट इज़ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग। तो यहाँ पर आप पेंटिंग में और भी ज़्यादा जगह अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप इसमें सब कुछ ऐड कर सकते हैं, लाइक डार्क बैकग्राउंड इसमें दे रखा है, और इसने हाथ में टू पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर यहाँ पर पकड़ी हुई है, एंड राइट हैंड से इसने चुन्नी होल्ड की हुई है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि कौन से हाथ से इन्होंने क्या पकड़ रखा है, मतलब चुन्नी पकड़ रखी है या फिर लोटस के पेटल पकड़ रखे हैं, तो ये सब चीज़ें। और जो इसने गले में इतना ब्यूटीफुल हार पहना हुआ है, इसमें वाइट कलर यूज़ किया गया है, एंड इनके झुमकास देख रहे हैं आप, और इसमें सर में जो यहाँ पर लटका रखा है वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख करके जाएंगे, क्योंकि आप एक बार पूछ लिया गया है कि राधा जी ने कौन से हैंड में अपनी चुन्नी को होल्ड किया हुआ है, तो ऐसी चीज़ें आप ये भी याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके पास पेंटिंग सब्जेक्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।